बेंगलुरु। जी हाँ, सही सुना आपने। कन्नड़ भाषा में इसे ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, बेंगलोर। शब्द इसी कन्नड़ शब्द से आया है। खैर, बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी और कर्नाटक राज्य की सबसे बड़ा शहर है। बेंगलोर की आबादी 8 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है और दुनिया का 27वां सबसे बड़ा शहर। और 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार बेंगलोर की साक्षरता दर लगभग 88% है। बेंगलोर समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर दक्कन के पठार पर स्थित है। बेंगलोर में साल भर सुखद जलवायु रहती है। बेंगलोर के पार्क और हरे भरे स्थानों के कारण इसे गार्डन सिटी कहते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के डाटा के अनुसार 2020 में बेंगलोर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे रहने योग्य भारतीय शहर का दर्जा दिया गया था। बेंगलोर की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है, जो 42.05% आबादी द्वारा बोली जाती है। दूसरी सबसे बड़ी भाषा तमिल है, लेकिन राज्य में लगभग सभी लोग इंग्लिश समझते और बोल सकते हैं। बेंगलोर भारत में सबसे तेजी से विकसित होने वाले महानगरों में से एक है। भारत के कुल आईटी निर्यात में बेंगलोर का योगदान 38% है। बेंगलोर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा और औद्योगिक पर निर्भर है और बेंगलोर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के बाद फॉर्च्यून कंपनियों की अधिकतम संख्या की मेजबानी करने वाला 5वां भारतीय शहर भी है। अगर अपने फॉर्च्यून के बारे में न सुना हो तो आपको बता दे, फॉर्च्यून एक वार्षिक सूची है जिसे फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे कंपनियों के वार्षिक राजस्व द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है। बेंगलोर शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाता है, जो महाद्वीप का सबसे बड़ा आईटी हब है। इंफोसिस, विप्रो, माइक्रोटेक, एम्फेसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा का मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसके बारे में मैंने भारत की बेंगलोर सिलिकॉन वैली में कवर किया है। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। 2021 में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, न केवल पिछले साल बल्कि वर्षों से। स्टार्टअप इकोसिस्टम को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और स्टार्टअप यात्रा में तेजी विकास चरणों में गति प्राप्त कर रहा है, जिसमें सीड स्टेज फंडिंग भी शामिल है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली ने 5000 से अधिक स्टार्टअप जोड़े, जबकि बेंगलुरु ने 4514 स्टार्टअप लॉन्च किए। आपको बता दें कि भारत के 100 यूनिकॉर्न्स में से लगभग 30 बेंगलुरु शहर से निकले हैं, इसलिए भी स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु किसी भी अन्य शहर से ऊपर रहता है। बेंगलुरु से पैदा हुए प्रमुख यूनिकॉर्न्स में बायजू, स्विगी, रेजरपे, ब्लैक बक, एमपीएल, मीशो, कंस्ट्रक्शन फिट आदि शामिल है, और जिसका कारण है कि बेंगलुरु में संस्थापकों को आसानी से कार्यबल, गुणवत्तापूर्ण श्रम, अपार उन्नति के अवसर और सही दिशा की दिशा में मार्गदर्शन जैसे प्रमुख कारक मिल जाते हैं, जो कि एक स्टार्टअप खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। बेंगलुरु वास्तव में भारत का स्टार्टअप शहर है। यहाँ मेट्रो भी बन रही है। पहली मेट्रो लाइन का उद्घाटन 2011 में हुआ था। इस लाइन में 22 स्टेशन है। वर्ष 2023 में 56 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली इन दो लाइनों बनकर तैयार हो जाएंगी। 2023 तक 3 नई मेट्रो लाइनों के लिए निर्धारित है और ये लाइनें शहर के कई हिस्सों को जोड़ेगी। बेंगलुरु में इतनी प्रगति के बाद कुछ समस्याएं भी हैं। 2023 तक बेंगलुरु प्रतिदिन लगभग 6000 मीट्रिक टन ठोस कचरा पैदा करता है। शहर में काफी धूल प्रदूषण खतरनाक अपशिष्ट है। बेंगलुरु के तीव्र विकास ने यातायात की भीड़ और अवक्रमित बुनियादी ढांचे से संबंधित कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा की हैं। शहर में लोगों को रोज यातायात जाम का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक स्लम क्लियरेंस बोर्ड द्वारा विश्व बैंक को सौंपी गई 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में कर्नाटक की लगभग 2000 झुग्गियों में से 862 झुग्गियां थी, जिसमें से 42% परिवार भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे चेन्नई, हैदराबाद और अधिकांश उत्तर भारत से पलायन करके रह रहे हैं और 43% परिवार 10 वर्षों से अधिक समय तक झुग्गियों में रहे हैं। बेंगलुरु एक आधुनिक शहर है जो देश भर के भारतीयों और दुनिया भर के प्रवासियों दोनों को आकर्षित करता है। खैर, बेंगलुरु में तो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम हावी है। आप पर क्या हावी है जो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते? तो करिए ना सब्सक्राइब और लिखिए अपने विचार कमेंट सेक्शन में। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।